वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको कोई पेंटिंग या स्केचिंग के बारे में क्लास नहीं दूंगी, आज मैं आपको कुछ डिफरेंट चीज़ सिखाऊंगी जो कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो आप यकीन करें कि इसमें से कोई भी चीज़ मैंने स्पेशली बाय नहीं की है, बस मैंने अपना बॉक्स ओपन किया और उसमें जो भी मुझे चीज़ें समझ में आई इनको मैंने कलेक्ट किया और मैं ये चीज़ बनाने लगी हूँ। ये मेरी पुरानी बैंगल्स हैं जो मैं अब नहीं यूज़ करती हूँ, और ये कुछ चॉकलेट कवर्स हैं जो गोल्डन चॉकलेट्स होती हैं उसके अंदर ये कवर उसके, और ये आपके ड्रेसेस से आपको लेसेस आसानी से मिल जाएंगी, किसी भी किस्म की लेसेस आप चाहें। तो ये कुछ शीट्स हैं, ये मेरे पास पैसे थी और इसे शाइनिंग शीट भी कहते हैं, और UHU पेंसिल, सीज़र, ग्लू गन। तो इन चीज़ों से मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ बनाना सिखाऊंगी जो कि आप मोस्टली लड़कियों के लिए बहुत यूज़फुल होती है, जैसे कि आपकी छोटे इयररिंग्स होते हैं और या आपकी स्कार्फ पिंस होती हैं या कुछ भी छोटी चीज़ें जिनको आप इजीली किसी चीज़ पे नहीं रख सकते हैं, अगर वो एक भी इधर उधर हो जाए तो वो गुम जाती हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊँगी कि आप अपनी पुरानी बैंगल्स के साथ अपना ज्वेलरी बॉक्स कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बैंगल्स ली हैं जो बिल्कुल अब यूज़फुल नहीं है। सो आप देख रहे होंगे इनका कलर भी थोड़ा फेड हो चुका हुआ है, और यहाँ एक उसका जो कड़ा होता है वो है। आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई बड़ा है और उसका मतलब साइज़ थोड़ा सा इसका बड़ा है, सेम साइज़ भी हो तो नो इशू, बट अगर थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो तो वह ज़्यादा गुड रहेगा। और कुछ ये बीट्स हैं जो भी मैंने लेसेस से ही उतारे हैं, और कुछ ये मैंने क्ले से फ्लावर्स बनाए हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन चीज़ों से कैसे एक ज्वेलरी बॉक्स बना सकते हैं। ओके, अब हम अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बैंगल, अगर आप चाहें तो सेम कलर की बैंगल्स भी ले सकते हैं, बट मैंने ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन किया। सो स्टार्ट में मेरे पास एक रेड बैंगल होगी और एंड पे मेरे पास ब्लैक बैंगल होगी। तो आप चाहें तो इसको स्टार्ट में ब्लैक कर सकते हैं और एंड पे रेड भी कर सकते हैं। सो एक ये मैंने किसी भी आप बॉक्स में से या किसी भी बॉक्स का आप ये कवर कट कर सकते हैं। सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेड बैंगल्स के साथ। ओके, सबसे पहले UHU से आप अपनी बैंगल को जो उसका एज है उसके ऊपर UHU गन ग्लू लगाएं। आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इसके लिए UHU भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर ये आपके हाथ पर लग भी जाए नहीं है, ये इजीली पानी के साथ उतर जाती है। तो आप इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दें, आपकी मर्जी है कि आप इसका जो बैंगल्स से थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहें या बिल्कुल इक्वल बनाना चाहें। तो मैं प्रेफर करूंगी कि बिल्कुल इक्वल ही होना चाहिए। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद आप अपनी बैंगल्स से स्टार्ट करेंगे, आपकी सारी बैंगल्स है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आप अपनी जो फर्स्ट बैंगल जो आप टॉप पे रखना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि ये टॉप पे होनी चाहिए, थोड़ी सी वो जो है वो बारीक है, ये थोड़ी सी उनसे मोटी है, तो ये अगर उसका स्टार्ट या एज पर होगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आप अपनी बैंगल को इसके साथ ऐसे जोड़ लें, और अगेन
और ये मेरी लास्ट बैंगल। जल्दी से जो है इनके ऊपर काम नहीं स्टार्ट कर देना, बिकॉज इसको सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, वरना जब तक ये सही तरह से ड्राई नहीं होगी ये मूव होती रहेंगी। सो इनको अच्छी तरह से पहले ड्राई होने दें। अगर कहीं से कोई गलती है तो आप उसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। ओके, अब इसको आप साइड पे रख दें। अब बारी है हमारी जो बैंगल हमने कार्डबोर्ड पे चिपकाई थी। जी ये हमने अपना सर्कल कट कर लिया। अब इसको स्टिक में बार के इसके अंदर पेस्ट कर दें। ओके, अब आप जो इसका एक्स्ट्रा ये बोर्ड है आप इसको कट कर लें। पहले उसी तरह ही आप पहले रफ कटिंग कर लें, या इधर आप अपना कटर भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव माई मिनी कटर। सो इसके लिए आपकी जो बेस होनी चाहिए वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, ताकि आपकी बाकी की चीज़ें जो है वो कट ना हो जाएं। मैं अपनी स्केचबुक यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी पुरानी स्केचबुक है और ये थोड़ा इसका जो बेस है वो हार्ड है। वाइट है, प्लेन है, तो अगर आप इसको चेंज कर चाहते हैं और इसके जो एजेस हैं वो थोड़े से बुरे लग रहे होंगे, तो उसके लिए आपके पास ये तरीका है कि आप अपनी ब्लैक शाइन शीट लें, अगेन इसको उसके ऊपर रखें और इसके सर्कल ड्रॉ करें। और इसको फिर से जैसे कट करें। ये ड्राई हो चुकी है। Let's come to again on my UHU, my इसके ऊपर। UHU की एक लेयर लगा रही हूँ। आप कोई भी अच्छी ग्लू यूज कर सकते हैं, बट मुझे जो लगता है कि वो सबसे अच्छी जो ग्लू है वो UHU है, तो इसलिए मैं UHU यूज करती हूँ। अब आप इसको भी अच्छी तरह से ड्राई होने दें, बिकॉज ऑब्वियसली इसको भी ड्राई होने का टाइम लगेगा। आप अच्छी तरह से इसको स्टक कर लें, वरना ये मूव करती रहेगी। हमारा जो इसका हमने कैप बनाना है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। चॉकलेट जो है, चॉकलेट कवर्स लिए हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, मैं वेयर नहीं कर सकती इसको। तो आप अपनी चॉकलेट कवर्स या कोई भी अच्छा कवर, मीन जैसे कोई गिफ्ट पेपर है या कोई कपड़ा है फॉर एग्जांपल, आप इस तरह की भी कोई लेस से भी आप इसको राउंड कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पर ये कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे, तो पहले मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी।
इसके ऊपर हमने प्रेस कर दिया। ये हमारी बैंगल रेडी हो गई है। ये बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही है जैसे ये पहले थी। लाइक इसमें गोल्डन और ब्राउन टच है। और हमारी दूसरी बैंगल्स भी ड्राई हो चुकी हैं बहुत अच्छी तरह से। ओके, अब हम इसके कैप को ही कवर अप करते हैं क्योंकि अभी हम इसको और थोड़ा सा ड्राई होने के लिए टाइम देंगे। के कवर के साथ अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करूँगी जैसे मैंने आपको बताया था। लेस तो अब इसके लिए हमें चाहिए होगी ग्लू गन। तो ग्लू गन के साथ जब आपको काम करना होता है तो आपको थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज ग्लू गन को आप ज़्यादा उसकी लंबी लेयर नहीं लगा सकते क्योंकि वो जल्दी से सूख जाती है। तो उसके साथ साथ ही आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मैंने जो लेस लगाई है वो इस तरह से लगाई है कि जो उसका इनसाइड एरिया है वो भी कवर हो जाए और आउटसाइड एरिया भी कवर हो जाए। मीन वो बाहर ऐसे बुरी ना लगे। इस पर थोड़ी सी मैं ग्लू लगाऊंगी और साथ साथ ही मैं इसको चिपका दूंगी। जी ये देखें, जो लेस का ये हिस्सा है ये मैं अंदर करके लगा रही हूँ और जो इसके मोती हैं सिर्फ वो ही बाहर नजर आ रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और इसके लिए बहुत ही कम एरिया को पहले आपको ग्लू लगानी होगी। यहाँ पे मैंने अपनी इस बैंगल पे सारी वो लेस लगाती हुई है। ये आप देख सकते हैं इसका इनसाइड एरिया भी। और अब मैंने इसके लिए सेम कार्डबोर्ड से एक होल कट कर लिया है और एक ब्लैक शाइनिंग शीट से भी कट कर लिया है और एक रेड स्ट्रिप काटी है लंबी सी जो कि रेड शाइनिंग शीट से काटी है मैंने। इस पे कार्डबोर्ड के ऊपर बैंगल चिपकाया था बिकॉज हमें उसके लिए जस्ट एक बैंगल था जिसको इसे साइड से कट करना था। बट इसके ऊपर जो हमारा पेपर है उसकी वजह से हमने इसके कार्डबोर्ड के ऊपर नहीं चिपकाया बल्कि हम इसके ऊपर से अलग से काट कर चिपकाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है जब हम इसको इधर यहाँ पे इसके साथ चिपकाएंगे तो इसकी ये वाली एरिया जो है वो नज़र आएगा जो इरिटेट लगेगा जो बुरा भी लगेगा। तो उसके लिए मैंने ये रेड शीट कट की है। ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी इजीली। विदाउट स्टिकर भी होती हैं और विद स्टिकर भी होती है। अब मैं इसको इस तरह से इसके फुल एरिया पे लगाऊंगी। ताकि ये इसका जो कॉर्नर एरियाज हैं ये इरिटेट ना करें मीन बुरे ना लगे।
मेरे नज़र में कोई भी चीज़ जो है वो यूज़लेस नहीं है। मैं तो यही सोचती हूँ कि हर चीज़ को हम रिसाइकल कर सकते हैं, हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि अपनी कोई भी चीज़, किसी भी तरह की मीन, अगर वो कोई पुराना ड्रेस है या कुछ भी है, उसको आप वेस्ट ना करें। आप हर चीज़ को सेव करें, उसके लिए अपना माइंड थोड़ा सा आप क्रिएटिव करें कि आप इससे क्या कुछ बना सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा शीट काट इट, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एरिया है इसका। अब ये इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। मैं इसको एक दफा थोड़ा प्रेस कर दूंगी ताकि जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो भी कवर हो जाए। अब हमारा ब्लैक स्टिकर जो हमने इसके लिए कट किया था, आप चाहें तो इसकी जो है शेप थोड़ी कम कर सकते हैं इस वाले एरिया से, बिकॉज हमारे पास रेड भी है तो हम इसको कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट सा इसका साइज जो है वो कम कर सकते हैं, बट रहना वो राउंड शेप में ही चाहिए। और हम इसका स्टिकर उतारेंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से चिपका दिया ताकि इसका कोई भी कॉर्नर जो है वो उतरे नहीं। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें। ओके, अब अगर कहीं से आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें, ऑब्वियसली सबके साथ ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो परफेक्ट नहीं होती, तो आप उसको प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। ये ऐसा ना हो कि वो सही तरह से चिपकी ना हो या बाद में आपको प्रॉब्लम हो। अब हम इसको इसके ऊपर से चिपका देंगे। मैं इसके लिए UHU यूज़ कर रही हूँ बिकॉज UHU जल्दी से ड्राई नहीं हो जाती, उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो ग्लू गन है वो फ़ौरन से साथ ही साथ हार्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं जल्दी जल्दी उनको लगाना मुश्किल हो जाता है। मैंने आपके सामने UHU लगाई है और अब मैं इसको आराम से इसके ऊपर चिपका दूंगी। इसको चिपकाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको बंद रख के। ताकि इसका सब जगह से अच्छी तरह से चिपक जाए। जी, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और बिल्कुल चिपक गया है। अब मैंने एक और रेड शीट से सर्कल कट किया है, बट इस साइज़ का, जो हमारी ये वाली बैंगल्स थी जिनका हमने एक बॉक्स बनाया है, उस साइज़ का मैंने एक सर्कल इसके साइज़ का नहीं कट किया, जो कि मैं अब इसके सेंटर में लगाऊंगी। बहुत ही केयरफुल होके लगाएं, और वो स्टिकर तो इसका उतर चुका है तो वो ये कहीं पर भी चिपक सकता है। मैंने आपको बताया कि मैंने एग्जैक्ट उसी साइज का नहीं कट किया था। ओके,
ओके, अब हम ये जो मैंने आपके सामने आपको दिखाई थी कि मैंने एक लेस जो है मैंने इसकी यूज़ की है, तो उसको हम इसमें इसके रोल्स को काट लेंगे। ये फ्लावर्स बने हुए हैं तो इसको मैं काट लूँगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको इसी तरह से यूज़ करूँगी। थोड़ी सी यूएचयू और इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। अगेन थोड़ी सी यूएचयू, इसको भी इसके ऊपर स्टक कर देंगे। यहाँ पर भी लास्ट अगर कहीं से कोई चीज़ नहीं सही तरह से स्टक हुई तो आप उसको एक दफ़ा चेक कर लें। हर चीज़ को मैं बताती हूँ कि एक दफ़ा चेक कर लिया करें पहले। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसको कट कर दें। जो थोड़ा सा बुरा लगेगा, इरिटेटिंग लगेगा, उसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं।